देसी खाने का तो अपना अलग ही मजा होता है। जिस खाने में देसी तड़का लग जाए वो तो लाजवाब हो ही जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही मजेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम इटालियन पास्ता मैकरोनी को अपने देसी ट्विस्ट के साथ बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की मजेदार रेसिपी शुरू कर लेते हैं। एंड आई होप आपको भी रेसिपी काफी पसंद आने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पास्ता को बॉईल होने रख दिया था। जैसे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा, आधा चम्मच हम इसमें नमक एंड एक चम्मच सरसों का तेल या फिर आप कोई भी तेल जो इस्तेमाल करते हैं खाने में ऐड कर सकते हैं। एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। पास्ता या मैकरोनी जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड उसके बाद इसे छान कर साइड में रख देंगे। अगर आप पास्ता या मैकरोनी को तुरंत बना रहे हैं तो आप इसे छानकर ऐसे ही साइड में रख दें, लेकिन आप अगर इसे कुछ टाइम बाद बनाने वाले हैं तो एक बार इसमें ऊपर से ठंडा पानी जरूर डाल दें। तो यहाँ पे हमने सारे पास्ता को छान लिया है, तो फटाफट से चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है सरसों का तेल, देख सकते हैं सिर्फ 2 चम्मच के करीबन ही सरसों का तेल ऐड कर लेना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ढेर सारे बारीक कटे हुए लहसुन ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हरी वाली मिर्च ली थी जो भी बारीक हमने काट ली थी। थोड़ा सा 1 इंच करीबन ये कद्दूकस किया हुआ हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छे तरीके से भुनेंगे जब तक कि जो लहसुन है उसका कच्चा फ्लेवर नहीं निकल जाता है। तो यहाँ पे लहसुन हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं, तो अब हम इसे शीट पर ऐड करेंगे अपनी सब्जियाँ। सब्जियों में लिए है मैंने शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीकी से चॉप कर लिया था, साथ ही मैंने टमाटर लिया है जिसे भी हमने बारीकी से ही चॉप कर लिया था। आप अपने मनपसंद के इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जैसे गाजर, प्याज, बैकरोली, बीन्स। उसके बाद हमें सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि जो सब्जियां हमारी हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। जैसे ही सब्जियां अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीबन ये ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीबन हम ऐड कर देंगे सीजवान चटनी। इन दोनों को ऐड करने से मैकरोनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। दोनों मसालों को अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे एंड इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। जैसे ही मसाले हमारे पक जाएंगे उसके बाद हम ऐड कर देंगे नमक। ध्यान रहे मैकरोनी में भी हमने बॉईल करते वक्त नमक ऐड किया था, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड करें। उसके बाद हम ऐड कर देंगे जो बॉइल्ड मैकरोनी हमने रखी हुई थी। देख सकते हैं इसे हमने तुरंत बनाया है, इसलिए ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं है क्योंकि बॉईल करते समय ही इसमें हमने ऑयल डाल रखा था, इसलिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं हुई है। उसके बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इसे हमें हल्के हाथों से ही चलाना है। एंड एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी हम कभी मैकरोनी को बॉइल करें तो हमें उसे ओवर कुक नहीं करना होता है, केवल 90% तक ही हमें मैकरोनी को बॉइल करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कुछ सीजनिंग्स ऐड करने की, तो यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये स्पेनिश का पास्ता मिक्स जिसमें बेसिल, ओरिगैनो, ब्लैक पेपर, चिली वगैरह सब कुछ इकट्ठे ऐड रहता है। 1 टेबल स्पून हमें इसमें स्प्रिंकल कर देना है। ट्विस्ट के लिए लास्ट में मैंने ऐड किया है 1 पैक ऑफ मैगी मसाला। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम इटालियन पास्ता मैकरोनी को इंडियन ट्विस्ट में बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें इसमें टेस्ट के लिए सिर्फ मैगी मसाला ऐड करना है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा कर देना है गैस का फ्लेम ऑफ एंड गरम गरम इसे सर्व कर लेना है। एक बार आप इस मैकरोनी रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इटालियन मैकरोनी रेसिपी विद इंडियन ट्विस्ट आपको काफी पसंद आने वाली है। अगर आप इसे इस रेसिपी से बनाते हैं तो आप इसे बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे सुबह के नाश्ते, शाम के स्नैक्स, यहाँ तक कि अपने बच्चों को लंच में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।